ये सोलेनाइड वाल्व है, बहुत लोगों ने इसका सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन पूछा है। सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन ये पीसीबी में, ये पीसीबी में है, देख इसका कि सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन कहाँ लगेगा। तो सोलेनाइड वाल्व के लिए जो 4A और 4B है, 4A सिस्टम 1, 4B सिस्टम 2, तो सोलेनाइड वाल्व का कितना वायर है? दो वायर है। देखिए ये दो वायर, यानी कि एक सोलेनाइड वाल्व का दो वायर है, 220 कॉइल है इसका, 220 है ना, 220 है ना, तो 220 वोल्टेज का ये सोलेनाइड वाल्व है। तो सोलेनाइड वाल्व का एक तार ये वाला, एक तार न्यूट्रल में लगा दो, दूसरा यानी फेस चाहिए। जब आप इसको न्यूट्रल में लगा देंगे तो दूसरा क्या चाहिए आपको? फेस चाहिए। ओके, तो दो सोलेनाइड वाल्व है यहाँ पर, तो ये सोलेनाइड वाल्व का वायर है, तो एक यहाँ लगा दिया न्यूट्रल में, दूसरा वायर आपको सीधा उठा के 4A में लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाइए, ये टर्मिनल में लाया हुआ, ये देखिए 4A सोलेनाइड वाल्व का पीसीबी से जो आ रहा है वो 4A आ रहा है, 4B सिस्टम 2 के लिए, 4A सिस्टम 1 के लिए। तो सोलेनाइड वाल्व का एक वायर न्यूट्रल में चला गया, दूसरा वायर डायरेक्ट पीसीबी में आप लगा सकते हैं। वो वायर लाके पीसीबी से यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दिया है आपको, ताकि ईजी हो ये लगाने के लिए। अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट आप पीसीबी में भी लगा देंगे तो चलेगा। बस यही इसका सिंपल वायरिंग है। किसी भी पैकेज में किसी, अगर ये पीसीबी है और जामिल यही पीसीबी यूज़ करता है, तो सोलेनाइड वाल्व का एक वायर न्यूट्रल में डाली और दूसरा वायर डायरेक्ट उठा के यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? P1 P2, P1 सिस्टम 1 और P2 सिस्टम 2, ये सोलेनाइड वाल्व का कनेक्शन है। ओके, पीसीबी जामिल CX में भी यूज़ करता है, CX में, हाँ, कंडेंसिंग यूनिट में और पैकेज में भी यूज़ करता है। जामिल का ये कॉमन पीसीबी है, जामिल 60-70% यूनिट में ये पीसीबी का यूज़ करता है, और ये कंडेंसिंग यूनिट को, ये HU और कंडेंसिंग यूनिट है। ओके, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू